So, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका दोस्त अजल गुप्ता और आपका स्वागत है एक और नई GTA 5 की वीडियो में। So, आज हम एक जो रेंज रोवर वेलार होती है वो चुराने जाएंगे। पुलिस स्टेशन पे खड़ी है, हमें लेस्टर ने कहा है रेंज रोवर वेलार चुराने के लिए। और हमें, जैसे कि आपको पता है, हमने एक नया बिजनेस स्टार्ट करा है बाय एंड सेल का। तो वो गाड़ी हम वहाँ से खरीद के, मतलब चुरा के, आज खरीदेंगे नहीं उसको, सीधा वहाँ से चुराएंगे और सेल कर देंगे। हमारे पास एक उसका बायर है उस गाड़ी का, वेलार का, लॉस सैंटोस में अभी अभी इंपोर्ट हुई है और उसकी अभी कस्टम ड्यूटीज वगैरह पेंडिंग है, तो इसलिए वो पुलिस स्टेशन पे खड़ी है। तो लेस्टर ने हमें की दे दी है उसकी रेंज रोवर वेलार की। तो हम यहाँ से चलते हैं, एक बार पहले अपना फ्रैंकलिन का आउटफिट देख लो। इसने ग्रे कलर की ट्रैक और सूट ट्रैक पैंट्स पहन रखे है। सो बस चलते हैं यहाँ से। तो मैं सोच रहा हूँ फर्स्ट पर्सन व्यू में भी वीडियोस बनाऊँ, तो मुझे अगर कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको फर्स्ट पर्सन व्यू में वीडियोस चाहिए हो। तो आज हम अपनी ये वाली गाड़ी लेके चलेंगे जो रेयर लैम्बोर्गिनी है, जिसे 56 डिग्री नोड लिखा हुआ है। तो अगर मैं मार्क लगा लेता हूँ वहाँ पे, जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस कंपाउंड है, पुलिस कंपाउंड में रेंज रोवर वेलार खड़ी है, तो वहीं से लेके आनी है हमें, वहीं से चुरा के लानी है और सीधा हम डिलीवरी कर देंगे इसी वीडियो में। तो मैंने मार्क तो लगा लिया, बस वहीं पे चलते हैं, जल्द से जल्द पहुँचते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आगे वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो, और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर दो, और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबाना ना भूलना। आजकल यूट्यूब में बहुत ज़्यादा ग्लिचेज हो रहे हैं जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती और आप कहते हो वीडियो डालनी बंद कर दिया आपने। सो हम बस पुलिस स्टेशन कंपाउंड की तरफ चल रहे हैं, जो व्हीकल कंपाउंड है लॉस सैंटोस का, वहीं पर रेंज रोवर वेलार खड़ी है। और एवर मुझे कमेंट्स में बताना, मैं एक नया बिजनेस में इन्वेस्ट करने ही सोच रहा हूँ। मैं होटल बिजनेस में करूँ, रेस्टोरेंट बिजनेस में करूँ, या कोई प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग में करूँ, तो मुझे कमेंट्स में बता देना कौन से बिजनेस में आप इंटरेस्टेड हो, किस बिजनेस के आप वीडियोज़ देखने में इंटरेस्टेड हो। तो अगर आप जौन से बिजनेस की वीडियोज़ देखने में इंटरेस्टेड होंगे, मैं उसी में इन्वेस्ट कर लूँगा और उसी की वीडियोस आपको मिलेगी। सो यहाँ पे हम बिजनेस सेंटर की तरफ पहुँच चुके हैं, अर्कैडियस बिजनेस सेंटर। तो मैं सोच रहा हूँ जो भी अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ वह इसी बिजनेस सेंटर के अंदर स्टार्ट करूँगा। यहीं पे हम ऑफिस खरीद लेंगे बिजनेस सेंटर के अंदर। तो यहाँ पे देखो, ये एक टनल भी बन रही है एक साइड में, यहाँ से जो लेफ्ट की तरफ से है, तो वहाँ से एक मतलब सीक्रेट रास्ता अंदर जाने का। उससे हमने एक बार चोरी भी करी थी, आपको दिखाई भी थी हमने, मतलब हमने ज्वेलरी शॉप लूटी थी, वो तो मिशंस वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे देखो जैगवार की ऐड है, मैंने आपको बताया था लॉस सैंटोस में ब्रांड्स अप्रोच कर रहे हैं। अगर आपका कोई ब्रांड वगैरह है तो आप भी अप्रोच कर सकते हो GTA 6 के लिए। GTA 6 जल्दी लॉन्च होने वाली है, तो मतलब GTA 6 की मैं कंसेप्ट वीडियो डालता रहता हूँ, जाके उनको भी देख लिया करो और उसको भी लाइक करते हो आप। सो थोड़ा सा उस पर लाइक कर दिया करो, मुझे पता उसको थोड़ा डिसलाइक करते हैं बंदे, क्योंकि मैं GTA 5 कॉन्सेप्ट के नाम से डालता हूँ और बंदे सोचते हैं वो ओरिजिनल GTA 6 डाली है मैंने। पर मैं बता देता हूँ, मैं टाइटल में क्लियरली मेंशन करता हूँ GTA 6 कॉन्सेप्ट, और मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, मतलब GTA 5 अल्ट्रा ग्राफिक्स मोड के साथ GTA 6 कॉन्सेप्ट मिशन के लिख के। सो प्लीज़ मुझे कमेंट से बताना अगर आपको ये मतलब इस टाइप की सीरीज देखना आपको पसंद हो। सो हम यहाँ पे तो पुलिस स्टेशन में तो आ चुके हैं, हम अपनी गाड़ी यहीं पे खड़ी कर देते हैं। मैं लेस्टर को बता दूंगा, लेस्टर यहाँ से गाड़ी ले जाएगा। सो मतलब इतने हम रेंज रोवर वेलार लेके जाएंगे, तो लेस्टर इतने यहाँ से गाड़ी लेके जा चुका होगा अपनी। सो बस हम यहीं पे, उसने बताया था वहाँ पे पीछे खड़ी है गाड़ी, तो यहाँ पे हम पीछे तो आ चुके हैं व्हीकल कंपाउंड में, जो पुलिस स्टेशन का व्हीकल कंपाउंड है। तो यहीं पे कहीं कह रहा था वो रेंज रोवर वेलार खड़ी है, वाइट वाइट और ब्लैक कलर में डुअल टोन है, ब्लैक कलर की उसकी रूफ है और वाइट कलर की पूरी बॉडी है। ओ भाई साहब, ये खड़ी कितनी लंबी गाड़ी है यार, SUV गाड़ी है, MUV लगती है मुझे तो, ये बिल्कुल MUV टाइप गाड़ी है। और मेरे पास की है तो इसका शीशा तोड़ने की जरूरत नहीं है यार, मैं थोड़ी दूर जाके आपको दिखा दूँ। हमें पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा, पुलिस वाले भी खड़े यार, क्योंकि हमने शीशा नहीं तोड़ा तो वो हमारे पीछे पड़ेंगे नहीं, उनको लगेगा हम ओनर ही है, तो हम थोड़ी दूरी लेके जाएंगे, उनको ये लगेगा, क्योंकि थोड़ी दूर लेके जाने की परमिशन है इस गाड़ी को, पर उनको ये नहीं पता चलेगा, ये नहीं पता कि हम ओनर नहीं है गाड़ी के।
और हमें बिल्कुल धीरे चलानी है गाड़ी। एक बार मैं आपको पूरा गाड़ी का इंट्रो मतलब पूरा रिव्यू वगैरह दे तो कैसी क्या गाड़ी है। एक बार कहीं पार्किंग में लगाते हैं, पार्किंग में लगा के आपको दिखाएंगे। कहीं आसपास पार्किंग हो तो ये रही। यस, पार्किंग मैंने साइड में ही थी। तो यहाँ पे हम पार्किंग लॉट में आ चुके हैं। यहाँ पे मैं सेंटर में लगा लेता हूँ यहीं पे। तो यहाँ पे मैंने गाड़ी लगा ली है। एक बार मैं आपको पूरी गाड़ी खोल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने सारे सारे डोर खोल लिए इस गाड़ी के। तो यहाँ पे आगे लैंड रोवर का लोगो है और ऊपर बोनट पे रेंज रोवर लिखा हुआ है। यहाँ पे आप पूरा इंजन देख रहे हो, पूरा सील्ड इंजन है, बिल्कुल नया इंजन है। अब तक कुछ भी इस पर मॉडिफिकेशन नहीं हुई है, बिल्कुल नई गाड़ी। और लॉस सैंटोस का इस पर नंबर भी अप्लाई हो चुका है। और यहाँ पे थोड़ा सा अंदर देख लेते हैं, पहले पीछे के देखते हैं पीछे की सीट्स क्या है। देखो पीछे जो दोनों सीट्स है उस पर एंटरटेनमेंट सिस्टम है लैंड रोवर का, और बीच में बैक रियर सीट्स एयर कंडीशनर है, और पूरी कंफर्टेबल सीट्स है इसकी। तो मैं ये वाला दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। कर भाई फ्रैंकलिन, कर दरवाज़ा बंद कर। हाँ 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 चलो एक साथ ही कर देंगे सारे, एकदम बैठ के सारे हो जाएंगे। ऑटोमेटिक डोर है इस गाड़ी में, वेलार में। तो पीछे की तो मैंने दिखाई दिया, बाकी से आप देख लो। चलो ये तो ये हो नहीं रहा, कुछ इसमें प्रॉब्लम आ गया। तो अंदर से कर देंगे क्योंकि हमने सारे ऑटोमेटिकली खोले थे। इसका अंदर का मैं बैठ के दिखाता हूँ आपको। एक बार मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ और सारे दरवाजे बंद कर लेता हूँ। तो देखो हम गाड़ी में जो बैठ चुके हैं, मैं एक बार अंदर से आपको दिखाता हूँ। मतलब इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो देखो, सामने लैंड रोवर का आपको लोगो दिख रहा होगा, और नीचे से ये पूरी इसकी स्क्रीन है, और पीछे मून रूफ दे रखे, पैनोरमिक सनरूफ, और पीछे की ये सीट्स हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स हैं। तो अपने पीछे अब तक तो पुलिस नहीं पड़ी, मेरे ख्याल से उनको अभी तक पता नहीं चला कि मैंने अभी ये गाड़ी चुरा ली है। तो हम यहाँ से चलते हैं बस, तो इसी वाली पार्किंग से ही यहीं से निकल लेते हैं। एग्ज़िट उस तरफ से है तो हम एक बार एग्ज़िट से ही निकलेंगे, क्योंकि दिक्कत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे रूल्स बहुत ज़्यादा टाइट है। इंडिया की तरह नहीं है, जिस तरफ से एंट्री ली उसी तरफ से एग्जिट हो जाओ। तो एक बार हम मार्क लाजपत जहाँ पे हमें डिलीवरी करनी है, यहाँ पे हमें डिलीवरी करनी है। हमने एक जो हमने लास्ट वाली गाड़ी जो ली थी वो भी हमने यहीं पे डिलीवरी करी थी। तो ज़्यादातर हमारे कस्टमर्स पोश एरिया के ही होते हैं, पोश एरिया में ज़्यादातर डिलीवरी होती है। पर एक हमें दिक्कत होने वाली है वहाँ पे जाने के बाद, कि वहाँ पे हमें गाड़ी तो छोड़नी पड़ेगी, पर वहाँ से हमें पैदल या टैक्सी लेके जाना पड़ेगा अपने घर की तरफ। सो हम देखते हैं अगर टैक्सी वाले को बुला लेंगे, अगर टैक्सी वाला आया तो, वरना कुछ और जुगाड़ देखते हैं। रोड पे से किसी स्ट्रेंजर की गाड़ी ले लेंगे, उसको मार मोर के गाड़ी ले लेंगे उसकी। तो मतलब अपनी गाड़ी देखो कितनी बढ़िया चल रही है, पूरी रेंज रोवर वेलार है ये। पूरी मतलब कितनी बढ़िया गाड़ी है। एक बार मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ, थोड़ी सी रोक के इसकी साउंड में सुनाना भूल गया। एक बार आप साउंड सुनो इसकी, और बैक फ्लेम्स देखो, मतलब एसयूवी होके भी बैक फ्लेम्स आते हैं इसके। देख पूरे ब्लैक विंडोज करवा रखे हैं, जैसे भी बंदे की गाड़ी है। पर जो मेरा ये पोर्श एरिया में जो क्लाइंट है उसने भी मतलब ब्लैक विंडोज ही मांगी थी, तो मैंने उसको कहा था ब्लैक विंडोज में ही रेडी गाड़ी है मैंने। पर उसको ये नहीं बताया कि ये चोरी की गाड़ी है, तो मतलब उसको पता नहीं चलना चाहिए ये चोरी करके लाया हूँ मैं। क्योंकि तो मैंने उसको कहा पूरा लाइसेंस है और इसका लाइसेंस मेरे पास जल्दी आ जाएगा, तो मैंने उसको अब तक नहीं बताया ये चोरी की गाड़ी है। तो मतलब थोड़ी दिक्कत होने वाली है। तो आई थिंक यहीं पे कहीं है उसका घर। यस, वो सामने वाला घर है उसका, ये जो सामने घर है। तो इसके अंदर खड़ी करनी थी ये। एक बार दरवाज़ा कैसे खुलेगा? ओके, तो खुला हुआ दरवाज़ा, तो ये यहीं पे बाहर ही खड़े हैं। तो मैं यहीं पे साइड में लगा देता हूँ। तो देखो ये साइड में यहाँ पे आ चुके हैं। अंकल आप मुझे मार क्यों रहे हो? तो मैंने आपकी यहाँ पे रेंज रोवर वेलार खड़ी कर दिया, तो आप ले लो, मैंने आपको की दे दी है। तो हम यहाँ से चलते हैं बस, इनको हमने डिलीवरी तो कर दी है, तो यहीं से रोड पे चलते हैं यहाँ से, और यहाँ पे किसी की गाड़ी चुरा लेते हैं। कोई ना कोई, चलो यही आ गया, कैडिलैक ले लेते हैं हम, रेड कलर की कैडिलैक है, ये भी गाड़ी बढ़िया चलती है। ये बार हम माइकल के घर पे चलते हैं, अगर माइकल घर पे हुआ तो उससे मिल लेंगे, मतलब जो टेक्नो है अपना, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है उससे मिले हुए। तो मेरा मन भी कर रहा था उससे मिलने का, तो एक बार देखते हैं अगर घर पे अवेलेबल हो तो वो। तो यहीं पे जो ये वाला घर है यही है उसका। और मैं मतलब एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाने वाला हूँ टेक्नो के ऊपर, तो
मतलब टेक्नो एक्सपोज के ऊपर। तो मुझे बताना अगर आप वीडियो चाहते हो, नहीं चाहते टेक्नो एक्सपोज की। तो यहाँ पे हम टेक्नो घर में आ चुके हैं, एक बार हम ऊपर देख ले तो ऊपर ही होता है वो ज़्यादातर, और जो एमेंडा वगैरह है वो भी ऊपर ही होती है। इसी रूम में होंगे, होंगे तो नहीं, हाँ तो नहीं है, तो अपने चलते हैं घर पे। वो तो है नहीं घर पे, उसको मैं फ़ोन कर लूँगा बाद में, तो देखते हैं। काफ़ी वो मेरे ख्याल से अभी उसकी मूवी रिलीज होने वाली है, और उसने कहा था मेरा कोई भी शो वगैरह है, तो मेरे ख्याल से सारे वही देखने गए हैं। तो हम चलते हैं यहाँ से, अपने घर की तरफ ही चलते हैं। तो यहाँ से हमने अपनी कैडिलैक निकाल लिया जो अपने रोड से चुराई थी। ये भी मुझे गाड़ी कुछ ज़्यादा बेकार नहीं लगी, जो अपनी खच्चड़ गाड़ी है सफ़ेद वाली जो बफेलो कार है, उससे तो बढ़िया ही गाड़ी है ये कैडिलैक। कितनी लंबी गाड़ी है, मतलब प्रीमियम कार लग रही है बिल्कुल, और रूफ बिल्कुल सिडान है, और प्रीमियम कार लग रही है बिल्कुल। मैं सोच रहा हूँ ये अपनी कलेक्शन में रख लेते हैं, अगली वीडियो में देखते हैं इसको रखना है या नहीं रखना। आप मुझे कमेंट्स में बता देना अगर आप कैडिलैक की वीडियो चाहते हो, नहीं चाहते। अगर आप वीडियो चाहोगे कैडिलैक की तो मैं जब ही रखूँगा, अगर नहीं चाहते होंगे तो मैं नहीं रखूँगा। तो यहाँ पे हम अपने घर पे आ चुके हैं, और आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ आगे वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर दो। सो एज ऑलवेज हैश टैग गिकीसिस।